टाटा पंच माइक्रो एसयूवी के अंदर आपको 370 mm की वाटर वेटिंग कैपेसिटी मिलने वाली है, जो कि टाटा नेक्सन और जीप कंपास से भी ज्यादा है। जीप कंपास की जो वाटर वेटिंग कैपेसिटी है वो है 330 mm की, और टाटा पंच के अंदर आपको 370 mm की वाटर वेटिंग कैपेसिटी मिलने वाली, जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतर है और इस सेगमेंट में फर्स्ट है। और इस गाड़ी के अंदर आपको ऑफ रोडिंग मोड्स दिए हुए हैं, जो कि जिससे कि आप इस माइक्रो एसयूवी के साथ ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर दिया हुआ है ट्रैक्शन प्रो मोड। अगर आपके टायर्स मिट्टी में फंस जाते हैं तो ये ट्रैक्शन प्रो मोड अपने आप एक्टिव होकर टायर्स के अंदर ज़्यादा पावर डिलीवर करके आपको मिट्टी से निकाल देगा। और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि आप खराब रास्ते पर ये ऑटोमेटिक ट्रैक्शन प्रो मोड एक्टिव हो जाता है और गाड़ी को निकालने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। टाटा पंच के इंजन में आपको डायनो प्रो मोड मिलता है, जिससे कि इस गाड़ी के अंदर जो इफिशेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है और इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छी तरीके से काम करने लगती है ऑफ रोडिंग करते समय। टाटा पंच के अंदर आपको 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जिससे कि आप बेहतर तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, जिससे कि इसके अंदर ट्रैक्शन प्रो मोड दिया गया है उस तरीके से। और टाटा पंच के अंदर 37 डिग्री का डिपार्चर एंगल और 20 डिग्री का अप्रोच एंगल दिया हुआ है, जिससे कि अगर आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो आपकी जो आगे और पीछे के जो मटरगाट है वो किसी तरीके से ज़मीन पर ना लगे और आप अच्छी तरीके से ऑफ रोडिंग कर सकें। और टाटा कंपनी ने इसको कई तरीके से ऑफ रोडिंग करते वक्त या ऑफ रोडिंग करते हुए काफ़ी सारी वीडियो भी लॉन्च की हैं। टाटा पंच अपने सेगमेंट की दूसरी ऐसी कार होने वाली है जिसके अंदर आपको अल्फा आर्किटेक्चर मिलने वाला है, क्योंकि जो टाटा की अल्ट्रोज आती है उसके अंदर भी आपको अल्फा आर्किटेक्चर मिलता है, और टाटा की जो माइक्रो एसयूवी पंच है उसके अंदर भी आपको अल्फा आर्किटेक्चर मिलने वाला है, जिससे कि ये एक माइक्रो एसयूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतर बिल्ड क्वालिटी के साथ लॉन्च होगी। और अभी तक इसके किसी भी तरीके से ऑफिशियली प्राइस अनाउंस नहीं किए गए हैं। वैसे तो इसका जो प्राइस है वो 5 लाख से 7 लाख तक होने वाला है, और उतना ही होता है तो ये अपने सेगमेंट की सबसे बेस्ट माइक्रो एसयूवी बन जाएगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो,